दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप का जो लीकेज है, अगर बाथरूम के बाहर वाल में ऐसा लीकेज हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में इस लीकेज को सोल्व करने के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये बंगला का क्या हुआ है हालत। पानी आने की वजह से पूरा जो वाल है वो बिगड़ गया है, और अभी मैं आपको नीचे का अभी इसका मतलब क्लिप भी दिखाऊंगा, जो पूरा बंगला का क्या हाल हुआ है पानी आने के वजह से। ये आप देख सकते हो, पानी बिल्कुल दिख रहा है जो आ रहा है उस वाल से यहाँ पे, और ये सीढ़ी वगैरह आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा इसका अंदर का प्लास्टर और कलर सब निकल गया है जो पानी आने के वजह से। तो ऐसा अगर पानी दोस्तों आता है तो इसको सही करना टाइम से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा बंगला जो है दोस्तों उसका वाल डैमेज हो सकता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर से भी पानी आ रहा है यहाँ पे, और ये सीलिंग वगैरह ऊपर आप देख सकते हो, ये सीढ़ी यहाँ पे मतलब पूरा कलर और प्लास्टर सभी निकल गया है ये पानी आने के वजह से, और नीचे सीलिंग से भी पानी आ रहा है दोस्तों मतलब। तो पूरा बंगला का जो है हालात बहुत ही ख़राब हो चुका है यहाँ पर। तो इस टाइप का लीकेज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो घर बैठे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों, तो इसका ऑपोजिट साइड में मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों। ठीक इसका जो है जहाँ पे मैं आपको ये वाल दिखा रहा हूँ, इसके ऑपोजिट साइड में बाथरूम है, तो वहाँ पे मैं आपको लिए चलता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, जहाँ पे इसका जो ऑपोजिट साइड में जहाँ पे ज़्यादा भेज आ रहा था, तो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में वो वाल में आ रहा था। तो यहाँ पर जो है बेसिन लगा हुआ है, वाश बेसिन, ये पेरिस्टल वाला वाश बेसिन लगा हुआ है, और इसमें ये ठंडा और गर्म का पानी का पॉइंट है, आप देख सकते हो दोस्तों। मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले इस जो है दोनों इस वाश बेसिन का जो इनलेट का पॉइंट है हॉट और कोल्ड वाटर का, तो इसको मैं खोलकर चेक करूंगा और जो लीकेज है इसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आखिर जो पानी है दोस्तों कहां से आ रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। ये देखिए, ये हॉट और ये कोल्ड वाटर का जो एंगुलर कोक लगा हुआ है बेसिन का पानी आने के लिए यहाँ पर, तो इसको मैं खोल लेता हूँ सबसे पहले, और देखते हैं दोस्तों प्रॉब्लम आखिर कहाँ से और कहाँ से पानी आ रहा है यहाँ पर। ये जो पॉइंट बल्ब है इसमें तो वाटा बनाया हुआ नहीं है, सबसे पहले जो दिख रहा है दोस्तों, तो इसमें वाटा बनाना पड़ता है, लेकिन वाटा बनाया हुआ नहीं है। तो प्रॉब्लम तो है, काफ़ी बड़ा लीकेज लग रहा है मुझे, तो वाटा से तो पानी उतना नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से पानी आ रहा है, और पूरा जो है पानी नीचे तक पानी जा रहा है, इसका मतलब वाटा से तो पानी नहीं जा रहा था, इससे पता चलता है दोस्तों यहाँ पर। अब जो दोस्तों मैं इस वाल का 3-4 टाइल्स जो है 5-6 टाइल्स तोड़ के देखने वाला हूँ, क्योंकि बगैर तोड़े ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकता है, तो इसलिए मैं इसका वाश बेसिन को खोल दिया हूँ यहाँ पे। अब मैं ये दोनों जो ब्रास एल्बो है दोस्तों, जो एंगुलर कॉक लगा हुआ था इसका पॉइंट एल्बो में, उसको थोड़ा तोड़ लेता हूँ और चेक करूँगा। ये बाथरूम काफ़ी बड़ा है, तो खाली जो बेसिन एरिया है उसके ऑपोजिट साइड में ज़्यादा लीकेज आ रहा है, तो यहाँ से मैं दोस्तों इसको हल्का इसको तोड़ूँगा और चेक करूँगा इसका पेंसिल का लाइन, यहाँ से कोई लीकेज वगैरह है या नहीं तो मुझे पता चले, क्योंकि बिना तोड़े तो ये होगा होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत तो मुझे तोड़ना है इसका टाइल्स यहाँ पे दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे इसको खोलने के बाद में, इसका पानी बंद करने के बाद में, इसका नीचे का जैसे टाइल्स तोड़ रहा हूँ, थोड़ा भेजा आ रहा है मुझे, मतलब वाल जो है पीछे से भीगा हुआ लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो है एंगल को जो लगा हुआ था इसका कंसिल का लाइन में थोड़ा अंदर से क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा इसका ये इनलेट का दोस्तों वाटर सप्लाई लाइन यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं थोड़ा घुमाकर देख लेता हूँ, तो जैसे ही मैं घुमा रहा हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो दोस्तों, अंदर का जॉइंट जो है खुलकर आ गया है। तो यहाँ पे आप बोलिए, बताइए दोस्तों, खुद देखिए कैसे कैसे प्लम्बर है दोस्तों, मतलब इसमें बताइए आप, सॉल्यूशन देकर भी नहीं लगाए, ऐसे डायरेक्टली लगा दिए। ये जो है दोस्तों CPVC का पाइप है, वो भी 1/2 इंच साइज का पाइप यहाँ पर, तो इसमें बिल्कुल भी इसका जो आटा आता है दोस्तों, CPVC का सॉल्यूशन आता है, वो बिल्कुल भी नहीं दिया, ऐसे ही लगा दिया। तो ऐसी अगर लगा देंगे तो मतलब लीकेज तो होगा ही यहाँ से, क्योंकि पानी इसमें प्रेशर पंप का ऑलरेडी लाइन है, और इसमें से क्या है दोस्तों, पानी काफ़ी सारा मतलब अंदर से कंसिल से जा रहा था होगा, इसीलिए ये लीकेज आ रहा था यहाँ पे। तो इसको मैं अभी ऐसे चेकिंग करने के लिए दोस्तों, जैसे लगा हुआ था ऐसे मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ पानी कैसे इसमें से लीकेज कर रहा था, इसको आपको बताने के लिए यहाँ पर। तो अब मैं आपको पानी चालू करके दिखाता हूँ प्रेशर पंप चालू कर। तो इसमें यहाँ पे इसमें भी एंगल कॉक में लगा दिया हूँ, तो आप देखिए दोस्तों, अब जो है पानी जो मैं मतलब चालू कर दिया हूँ प्रेशर पंप का लाइन, और ये वाला जो लाइन है दोस्तों हॉट वाटर का कनेक्शन का लाइन था, तो इसमें से आप देखिए दोस्तों पानी कैसे ड्रिपिंग हो रहा है यहाँ पर।
मतलब इसका प्रेशर पंप का जैसे ही इसका फोर्स बढ़ेगा पानी और भी तेज़ी से दोस्तों लीकेज होने लगेगा। तो ऐसे ही दोस्तों लीकेज कर रहा था कंसील के अंदर से और ईंट से, इसका कंसील के अंदर से ही पानी जा रहा था, पानी टाइल्स के बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो वहाँ से दोस्तों घीसी में पकड़ कर पानी नीचे पूरा सीलिंग वगैरह सीढ़ी में जा रहा था पानी। तो अब मैं चेक करके देख लिया हूँ, अब मैं इसको दोस्तों सॉल्यूशन देकर लगा दूंगा यहाँ। तो अब मैं यहाँ पे जो खुला हुआ था दोस्तों इसको मैं सॉल्यूशन देकर सही से लगा दूंगा। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो गलती है ये तो गलती प्लम्बर से ही होता है और प्लम्बर ने किया है, लेकिन प्लम्बर के साथ साथ ये इसका श्रेय दोस्तों क्लाइंट को भी जाता है। दोस्तों अगर प्लम्बिंग का काम में थोड़ा रेट का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है आजकल दोस्तों, मतलब अगर सही से प्लम्बर को रेट नहीं देते हो तो क्या है दोस्तों, काम जल्दी करने के चक्कर में ये सब गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मतलब 2-4 हज़ार का फ़र्क ही होता है रेट में, तो आप अच्छे से रेट थोड़ा रेट दीजिए, ऐसे नहीं ज़्यादा रीजनेबल रेट दीजिए तो क्या काम भी आपका अच्छे से हो पाए यहाँ पे। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पे इस वाला जो मतलब पॉइंट था ये सही था यहाँ पे, इसको भी मैं थोड़ा खोल कर देख लिया हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये सबको मैं सोल्यूशन देकर लगा दिया हूँ और साथ ही साथ इसमें टेफ्लॉन टेप देकर भी इसका नल लगा दिया हूँ यहाँ पर। तो अब जो दोस्तों इसको पानी मतलब इसका चालू कर कर ऐसे 7 दिन इसको ऐसे रख दूंगा, तो बाद में क्या है अगर वाल सूख जाता है तो यहाँ से दोस्तों पता चल जाएगा जो ये लीकेज यहाँ से ही था और बाद में इसका टैच लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।